हेलो फूडीज, वेलकम टू मोना इजी फूड मैजिक। आज मैं बनाऊंगी वेज फ्राइड राइस, जो बनकर बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं सिर्फ 5 मिनट में, और इतने अच्छे बनते हैं कि बार बार मन करेगा बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 5 से 6 पतीले में पानी को गर्म किया है, और 1 कप बासमती चावल को लिया है, जो मैंने 4 घंटे पहले ही भिगो दिए थे। इससे क्या होता है कि चावल खिले खिले बनते हैं। अब जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, इसके अंदर हम डाल देंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल को मिक्स किया है, और इसको हिला दूंगी अच्छे से, और फिर मैं इसको पतीले को ढक दूंगी। मैं साइड में चावलों का छोंक रेडी करूंगी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितना ऑयल को गर्म किया है। जब अच्छे से ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच राई को भी तड़का लिया है। जब राई तड़कने शुरू हो जाए, यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का मैंने चॉप किया हुआ प्याज है, उसको मैं अच्छे से ब्राउन होने तक भून लूँगी। बहुत तो अच्छे बनते हैं। जब आपके घर पे मेहमान आएंगे तो आप ये चावलों को ज़रूर बनाएं, उनको परोसें, उनको बहुत पसंद आएंगे, वो भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। अब ये ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। ये जब तक ब्राउन हो रहे हैं, हम इसको सेकते रहेंगे। ब्राउन होने पर इसके अंदर मैं एक मीडियम साइज़ का, यहाँ पे मैंने टमाटर भी चॉप करके रख रखा है साइड में, वो भी अब मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। और इसको जब तक मिलाती रहूँगी, तब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो जाते। ये देखिए, मैंने इसके अंदर टमाटर भी मिला लिया है, और इसको पकाती रहूँगी जब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो जाते। ये सब्ज़ी हमें 2 से 3 मिनट तक चलानी है, क्योंकि हमारे चावल तो पानी में कुक हो ही रहे हैं, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते। 2 से 3 मिनट तक ये सब्ज़ी पक जाएगी। और अब मैं शिमला मिर्च को बारीक काट रखी हूँ, वो भी इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। शिमला मिर्च को भी इसके अंदर अच्छे से मिलाकर 1 सेकंड के लिए भून लूँगी। ये तीनों सब्जियाँ अच्छे से भून जाएगी, तब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। अभी मैं इसको लगातार चलाते हुए इसको भून लूँगी। अब ये सब्जियाँ भी हल्की सॉफ्ट हो चुकी है, और अच्छे से भुनने भी शुरू हो गई है। अभी मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालूँगी, और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब्जी भी अच्छी भुननी शुरू हो गई है। इन चावलों का स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा होता है, बिल्कुल ही जैसे हम होटलों में खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आता है, और बहुत ही अच्छे बनते हैं, और खिले खिले भी बनते हैं। अब एक साइड में हम देखेंगे, ये चावल का भी अच्छा उबाल आ गया, और ये पक गए हैं। चावलों की भी लंबाई अच्छी हो गई, क्योंकि हमने इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगोए हुए थे। ये देखिए कितने अच्छे फूल चुके हैं चावल भी। और अब मैं इसका एक्स्ट्रा पानी छलनी से बाहर कर दूंगी। ये देखिए, अब चावलों का पानी भी मैंने निकाल लिया है, और ये चावल भी खिले खिले हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने सब्जी रेडी कर रखी है, इसके अंदर इसको मिक्स कर लूँगी। सारे चावल अच्छे से इस कढ़ाई में डाल लूँगी। कढ़ाई में डालने के बाद यहाँ पे मैंने एक मैगी मसाला का पैकेट लिया है, वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। चाइनीज़ मैगी मसाला का पैकेट है, वो उसके अंदर भी मिला लूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चावलों का, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये। बच्चों को मैगी की चीज़ें बनी हुई काफ़ी पसंद आती है। और यहाँ पे मैंने मैगी मसाला को ऐड किया, इसलिए इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा बनने वाला है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली है। चावलों में मिर्ची को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मिर्ची डालने, पर मैंने बिल्कुल मामूली सी मिर्ची डाली है अच्छा टेस्ट के लिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, चारों तरफ से इसको अच्छे से मिला लूँगी। ये चावल अच्छे से मिक्स होने के बाद बहुत अच्छे बनकर रेडी हो जाते हैं। मैं अक्सर ऐसे बनाती हूँ जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं। आप कैसे बनाते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही इजी इजी रेसिपी बनाती रहूँगी। ये देखिए, चावल अच्छे तरह से मिक्स हो चुके हैं, और कितने सुंदर बने हैं। तो मैं इसको 1 सेकंड के लिए ढक दूंगी, और ढकने के बाद इसको हम देखेंगे कि चावल कितने खिले खिले बने हैं, और ये खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कोऑपरेट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।